ये न्यूज काटिएगा मत, दिखाइए, बताइए तुम्हारा कोई विरोधी है? हम विधायक मौजूद हैं, हमारा बड़ा भाई, मैं मुसलमान हूँ, वो पंडित हैं, मेरे भाई हैं वो। एक पॉइंट है कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल चल रहा है उसकी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, और दो सरकारें, एक पूर्व सरकार एक अभी की सरकारों के बीच में जो है टक्कर चल रही है, तो जानते हैं पब्लिक से कि उनका क्या कहना है इस बात पर। सर आपका नाम बताएं। कासिम सिद्दीकी। कासिम सिद्दीकी साहब यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये हमें बताएंगे कि इनके हिसाब से कौन सी सरकार आ रही है इस बार। सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए, कौन आना चाहिए? सपा आना चाहिए। सपा क्यों? सपा क्यों? सपा में सही है, सपा में कोई जात पात नहीं है, धर्म पेश नहीं है, और कोई धर्म की बात नहीं है, और काम होता है। और इन्होंने 5 साल के अंदर क्या करा? कोई भी चीज़ गिना दें, किसी भी विभाग में, शिक्षा में, मेडिकल में, कोई भी चीज़ में, पानी में, बिजली में, नौकरी में, कोई चीज़ में, इनका काम सिर्फ नाम बदलना, नाम बदलना और हिंदू मुस्लिम करना। हम लोगों के दिल के अंदर मोहब्बत है, विचारधारा है, हम लोग सब मिलकर रहें एक प्रदेश के अंदर, और ना पर इन्होंने कुछ कोई चीज़ दिखा दें किसी विभाग में, किसी को भी इन्होंने कुछ दिया हुए। अब ये कहते हैं राशन देते हैं, राशन इनका तो है नहीं, राशन तो संविधान में लिखा हुआ है 80% सरकार कोई भी हो वो देगी, जो कोई देंगे। और बहुत मुद्दे हैं, ये सरकार बिल्कुल फेल है, और इन्हीं की सरकार में जो मंत्री रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्या 5 साल रहे जब वो अपराधी नहीं थे, जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी इनको अपराधी घोषित कर दिया। ओम प्रकाश राजभर 2 साल सत्ता में रहे, 2 साल सत्ता में रहे, मुख्तार अंसारी से मिलते थे, वो रोपड़ जाते थे, पंजाब बांदा भी जाते थे, सब जगह जाते थे, जब कुछ नहीं था, जैसे उन्होंने छोड़ा वो मिलना चालू करा उन्होंने, वो अपराधी हो गए। ये सब क्या है? लखीमपुर कांड, उन्नाव कांड, आगरा कांड, हाथरस कांड, कितने कांड हुए, इस पर बिल्डोर नहीं चल रहा। देश का गृह राज्य मंत्री लखीमपुर कांड जिंदा मिसाल, हकीकत की मिसाल, सबने देखा, गाड़ी चलाई गई, आज भी गृह राज्य मंत्री मैंने बैठा है, माँ चले बिल्डोजर, मैं बिल्डर क्यों चल रहा, इनका मंत्री है वो। किसानों का बिल लाए, क्या हुआ, 750 किसान मरे, उसके बाद पूरी दुनिया में थूतू हुई इनकी, दंगे तो हर सकाम होंगे, अगर सरकार अभी सपा अभी जाएगी दंगे होंगे, ऐसे दंगे नहीं होंगे, नफरत वाले वन साइड फैसले नहीं लिए जाएंगे, जो करेगा उसको सजा दी जाएगी, जो करेगा उसको सजा दी जाएगी। तो सज़ा तो मिल रही है, हमारा उन्नाव कांड, उन्नाव कांड इतना इतने बड़े नेता ने किया है, वो इस समय सलाखों के पीछे है, ठीक, और ये उन्नाव का लखीमपुर कांड जी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, लखीमपुर कांड में क्यों नहीं है, पूरा देश चला रहा है, गुनाह साबित हो गए, सब कुछ हो गए, क्यों मंत्री से लड़ाया गया। अच्छा चलिए, आपका एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, ये कि आपने कहा कि सपा की सरकार में सब बेहतरीन चलेगा, बेहतरीन चलेगा, कारोबार चलेगा, क्या वो सही नहीं चला रही थी? वो सेकंड बीजेपी, वो सेकंड बीजेपी है, ऐसा क्या किया उन्होंने? कितना घोटाला, ताज घोटाला, भाई का घोटाला, सब बचे हुए हैं आज तक, कोई जाँच नहीं कर रहे, मोदी सरकार, सारी एजेंसियां इनके पास हैं भारत की, क्यों नहीं कर रहे? तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी और जो है मिली हुई है, मिली हुई है, अगर योगी जी का बस सत्ता में आ रही है, 50-60 सीटें कम पड़ रही हैं, तो मायावती की होंगी, वो दे देगी समर्थन। मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, मेरा खानदानी, और मेरे खानदान में ऐसे ऐसे लोग हैं आप विचार नहीं कर सकते, और मैं जिस बाउंड्री से आता हूँ ना, मेरे इतिहास में प्रतापगढ़ रामपुर की सीट 9 बार से विधायक हैं मेरे बड़े भाई प्रमोद तिवारी, मैं मुसलमान हूँ, वो पंडित हैं, मेरे भाई हैं, वो कोई हरा नहीं पाया, दुनिया को ताकत आया है, हरा के दिखा दे, प्रतापगढ़ से रामपुर सीट से मेरा भाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 11 बार के सांसद हैं, कांग्रेस की इतिहास है, मैं कांग्रेसी हूँ, सपोर्ट बीजेपी सफा कर रहा हूँ, क्यों ना, कांग्रेस बहुत दूर है यूपी के अंदर, अगर कोई भी पार्टी हराएगी बीजेपी को वो है सपा, और कोई पार्टी। सर कह रहे हैं कि सपा को हराएगी बीजेपी, लेकिन सर की फंबल होती हुई जबान से लड़खड़ाते हुए निकल जाता है कि बीजेपी जो है नहीं सपा, अभी आपने भी नहीं, सपा 100 बार सपा, 1-0 बन, यूपी चेंजिंग,
101 यूपी चेंजिंग 101% चेंजिंग। इन्होंने कुछ नहीं करा, इनका काम सिर्फ नाम बदलना, हम लोगों को लड़वाना, हम लोगों की मोहब्बत है होली दिवाली ईद बकरीद को दूर दूर करना, दिवालिया खड़ी करना और अपनी सत्ता पाड़ना। हम सबको मानते हैं, हम हर मजहब को मानते हैं, हर मजहब की इज्जत करता हूँ, मैं सब जगह आता हूँ कुछ भी हो, और गया हूँ बड़ी बड़ी जगहों पर गया हूँ, कोई पोषण नहीं होगा मैं पोषा हूँ। क्या बात है, तो ये न्यूज़ काटिएगा मत, दिखाइए बताइए तुम्हारा कोई विरोधी है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल दिखाया जाएगा। तो इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से कांटे की टक्कर जो लगी हुई है, कांग्रेसी हैं हम कहते हैं, हम विधायक मौजूद हैं, हमारा बड़ा भाई आगे दिखा दे प्रताप से। ओके थैंक यू सर। अपना भगवा जो है वो ऊंचा लहराएगी या फिर इस समय समाजवादी पार्टी की जो हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के, क्या वो अपना परचम लहराएगी, ये बात देखने वाली होगी। तब तक के लिए हम वापस आपसे मिलेंगे एबीएन समाचार पर ही, देखते रहिए एबीएन समाचार, अपर्णा शर्मा के साथ साइनिंग ऑफ।